गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज आदित्य, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, राइट नाउ ये व्लॉग होने वाला है ईशा फाउंडेशन के ऊपर। टोटल आपके कितने पैसे स्पेंड होंगे तो ये व्लॉग में वही है, ये पार्ट टू है। बैंगलोर का मैंने एक वीडियो डाल रखा था, आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देखिए। वहां पे मैंने बैंगलोर पैलेस का मैंने वीडियो डाला था, दूसरा इस्कॉन टेम्पल का मैंने डाला था। सीरीज में और भी वीडियो आने वाली है, तो सो गाइज मैं स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा टोटल आपके कितने स्पेंड होंगे, टोटल कितने आपके स्पेंड होंगे पैसे कोयम्बतूर में। तो अभी मिलते आगे। ट्रैवलिंग की बात की जाए तो कोई भी सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट लेके कोयम्बतूर जाया जा सकता है। एंट्री फीस की बात की जाए तो कोई भी एंट्री फीस नहीं लगती है। आदि योगी जी की फेमस स्टैचू है, वो भी फ्री में देखी जा सकती है। ध्यान लिंगम में मेडिटेशन करने का भी कोई चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ कोई पैसे लगते भी हैं तो 50-10 रुपये के अंदर हो जाते हैं। और यहाँ पर भिक्षा हॉल में फूड भी फ्री है। रूम बुकिंग करने के लिए ज़रूरी वेबसाइट, ईमेल, फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से बुकिंग तो करवा सकते हैं। और साथ में बुकिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो भी ले सकते हैं। जो रूम की प्राइस है वो 850 से स्टार्ट हो ही जा सकती है। आपको वो भी खर्च नहीं करना, तो आप एज अ वॉलंटियर रह सकते हैं, वो भी आपका फ्री रहेगा। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मुझे चाहिए सबसे पहले एक बनाना, क्योंकि बनाना खाऊँगा तो मेरा डाइजेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो अपन ले लेते हैं, कितना बनाने लेते हैं, 2-4, एक डजन ले तो हमारा काम हो जाएगा। एक नहीं, हाफ डजन लेंगे तो काफ़ी सारा कुछ यहाँ पर है यार अवेलेबल। तो अभी इसका फटाफट बिलिंग कराते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ का बिलिंग हो चुका है और फ्रूट्स भी लेते हैं और चलते सीधा बाहर। ये भैया पार्क कर रहा है बर्फ में, क्योंकि गाइस यहाँ पर गैस प्लास्टिक बैन है तो सही है, कोई लोड नहीं है। और सो गाइस अभी हम लोग आए थे यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए और मैंने ऑर्डर किया था इडली, तो अभी ख़त्म हो गया है। और मैंने ऑर्डर किया है और ये रहा चटनी, ये ऑरेंज वाली चटनी, ये ग्रीन वाली चटनी। इतना डिटेल तो पता नहीं है, तो अभी करते हैं यहाँ से ब्रेकफास्ट और निकलते हैं फिर सीधा कोयम्बतूर के लिए। मैंने कुछ बनाना परचेज कर लिया है, ये कोक जो मैं थोड़ा सा मे भी पीऊँगा। और इस जगह पर मैं आया था ब्रेकफास्ट करने के लिए, ग्रीन लैंड्स, बाकी तुम लोग देख सकते हो बढ़िया प्लेस है। तो अभी चलते भी सीधा कार के अंदर। अभी मैं बैठ चुका हूँ कार में और हमारा डेस्टिनेशन अराउंड 200 किलोमीटर है, 3 और 56 मिनट शो कर रहा है। तो अभी सीधा चलते हैं डेस्टिनेशन पे और दिखाता हूँ यार कितनी बढ़िया रोड रहेगी यहाँ की। सो गाइज हम लोग फ्यूल लेने के लिए रुके थे, अराउंड हमने 32 लीटर का फ्यूल ले लिया है जो 3,467 रुपीज़ का हुआ है। यहाँ से डिस्टेंस अभी भी 1.5 घंटे दूर है, तो फिर से ड्राइव करेंगे। काफ़ी थक गया था, अभी 11:46 हो रहा टाइम, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे सीधा। अभी मैं आ चुका हूँ इस प्लेस पे, मैं गलत प्रेजेंटेशन नहीं करना चाहता हूँ। और यहाँ पे अंकल है, तो अभी मैंने कोकोनट वाटर पिया है, तो अभी और भी लेंगे तो दिखाता हूँ। और यहाँ से ना लाइक ज़्यादा नहीं 10 मिनट्स और दूर है ईशा फाउंडेशन, तो अभी हम लोग पहुँचते हैं। और ये रही हमारी गाड़ी डिज़ायर, और काफ़ी बढ़िया मौसम वेदर हो चुका है, तो अभी चलते हैं सीधा ईशा फाउंडेशन और वहाँ का दिखाते हैं क्या नज़ारा होता है। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं ईशा फाउंडेशन। आप जो मेरे सामने स्टैचू देख रहे हैं इसे बोलते हैं आदि योगी स्टैचू, जो शंकर भगवान को डिपेक्ट करता है। इसकी हाइट 112 फीट है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो अभी हम लोग पार्किंग एरिया में है, जो काफ़ी बड़ी पार्किंग है। आज तक बस यार हमने फ़ोटोज़ में देखा था, बट ये रियल में काफ़ी ज़्यादा मेसमराइजिंग और अमेजिंग दिख रहा है। सो गाइज हमने कार भी अपना यही पार्क कर दिया है और ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज।
सो गाइस ये है क्लोजर लुक शंकर भगवान का, और सो यहाँ पे शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। उसके लिए हम लोग को 20 रुपीज़ का कूपन लेना होगा, तो अभी मैं लाइन में लगता हूँ कूपन लेने के लिए, और सामने शिवलिंग है जहाँ पे हम लोग को जल चढ़ाना है। सो गाइस ये रहा 20 रुपीज़ का टिकट जो जल चढ़ाने के मिलता है। टिकट लेने के बाद यहाँ पर हमें जल मिलेगा वो 20 रुपीज़ का ही, और हमें अंदर में जो शिवलिंग है उसके ऊपर चढ़ाना है। तो ये लाइन है, अभी मैं लाइन में लगा हुआ, ये अंकल के पीछे मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे एक दीदी है, तो और ये फिर से गॉड जो पीछे हैं। अभी चलते हैं। जल चढ़ाने का था, अंदर अलाउड नहीं था क्योंकि वहाँ पर मैं कैमरा निकाला था, तो उन्होंने सिक्योरिटी ने मना कर दिया, तुम देख लो, देख सकते हो। तो अब सीधा मैं चल रहा हूँ यहाँ से लंच करने के लिए, तो अभी लंच करते हैं। और शूज़ मैं नहीं पहना हूँ, तो अभी अपना शूज़ ढूंढते हैं, मैंने उधर कहीं उतारा शूज़ है अपना, तो ढूंढते हैं फटाफट शूज़ और पहन के चलते हैं जल्दी से लंच करने। सो गाइस मैं अब आ चुका हूँ ईसा भिक्षाल लंच करने के लिए, और यहाँ मैंने फ्राइड राइस एंड मंचूरियन ऑर्डर किया है। मंचूरियन आ रहा है, और यहाँ पे टोकन सिस्टम है जहाँ पे लाइन में आपको लगना है अपने फूड के ऑर्डर देने के लिए, उसके बाद फूड का वेट करना है, और यहाँ पे काफ़ी बड़ी सिटिंग एरिया है। जब मैं आ चुका हूँ ध्यानलिंगम में, यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था तो मैंने व्लॉग नहीं किया। सो गाइस ध्यानलिंगम में बेसिकली लोग मेडिटेशन करने आते हैं, यहाँ पे एक अलग लेवल की स्ट्रॉन्ग एनर्जी मेरे को फील हो रही थी, जो काफ़ी ज़्यादा अलग थी वो फील। मैंने यहाँ पे आधे घंटे मेडिटेशन किया, उसके बाद मैंने सूर्य कुंड की ओर मैं निकल गया। सो गाइज मैं अब आ चुका हूँ सूर्य कुंड में, इसको होली वाटर भी माना जाता है। यहाँ पे लोग ऐसा ये भी मानते हैं कि ध्यान लिंगा के पास जाने से पहले आपको सूर्य कुंड में ज़रूर स्नान करना चाहिए, वहाँ मेडिटेट करने से पहले। तो पहले मैं तो चला गया था मेडिटेशन सेंटर, अब मैं सूर्य कुंड आया हूँ, तो अभी यहाँ पे मैं स्नान लेता हूँ। यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे व्लॉग नहीं किया। ऑलराइट सो गाइज अभी मैं वापस आ गया हूँ लंच वंच करके, और यहाँ पे महादेव की फिर से मूर्ति, और ये रहा बैलगाड़ी जिससे हम लोग लौटे हैं। दो तुम लोग कमेंट में बोलोगे कि भाई बैलगाड़ी करना यूज़ करना बहुत गलत बात है, इसमें एनिमल का काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं गाइज, यहाँ पे लोग यही यूज़ कर रहे हैं, तो मैं भी बैठ के आ गया, और ये मुझे सींग मारने की तलाश में।